ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हॉपर, और ये टोटल हॉपर एक ईएसपी में 56 होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है मेरा वर्किंग पेज, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ पावर प्लांट में, और मैं अभी फ़िलहाल एक नए प्रोजेक्ट पे आया हूँ। मुझे ईएसपी की एलआर बीम रिप्लेस करनी है। ईएसपी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और अभी बज रहे हैं शाम के 7। ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है ईएसपी। तो फिलहाल मैं ईएसपी के बॉटम एलिवेशन पे हूँ। यह है चिमनी, ये वाला सामने में जो आपको दिख रहा है, ये वाला बॉयलर का प्रेशर पार्ट एरिया है। ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन जा रही है आपको कोल हैंडलिंग प्लांट में। मेरी आवाज उतना क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे काफी साउंड है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें टोटल 28 फील्ड होती है, पास ए में 14 फील्ड और पास बी में 14 फील्ड, 14+14 टोटल 28 फील्ड्स। ये ईएसपी बेसिकली जो प्लांट से ऐश निकलती है, राख निकलती है, उसको ये हैंडल करता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईएसपी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये किस तरह से वर्क करता है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। किसी आने वाले वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।